नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के टियाला ग्राम में जीके कंपटीशन 2021 के द्वारा प्रयास एक पहल एक संस्था ने बच्चों को जागरूक व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीके कंपटीशन कराया, जिसमें गांव के ऐसे छात्रों को कंपटीशन में बिठाया जिन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसके तहत शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जीके कंपटीशन कराया गया। आपको बता दें कि समाज सेवी राहत चौधरी ने बताया कि प्रयास एक पहल एक ऐसी संस्था है जो अशिक्षित बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ावा देने के लिए हर प्रयास करती है। समय समय पर जीके कंपटीशन कराती रहती है क्योंकि बच्चों का मानसिक संतुलन व शिक्षा की ओर बच्चे बढ़ते रहे। वहीं राहत चौधरी ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि समय समय पर जीके कंपटीशन गांव व क्षेत्र में कराते रहना चाहिए ताकि बच्चों की प्रतिभा आगे बढ़कर आए। मेरा नाम राहत चौधरी है। ये एक प्रोग्राम जीके का रखा गया है प्रयास एक पहल की तरफ से। प्रयास एक पहल एक ऐसी संस्था है जो हर वक्त शिक्षा के लिए जागरूक है और बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करती है। और जो भारत के अंदर देखा जाता है अशिक्षित वर्ग बड़े पैमाने पर पाया गया है, इसीलिए प्रयास एक पहल का एक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के लिए बच्चों को जागरूक करें और इस कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को उत्साह बढ़ाना, उनको फ्यूचर के लिए तैयार करना। क्योंकि कंपटीशन अगर ये क्लियर करते हैं बच्चे, उनका उत्साह बढ़ता है और आने वाले आईपीएस आईएएस के जो एग्ज़ाम नीट के एग्ज़ाम होते हैं, बच्चों का मनोबल ऊँचा होता है और उनको इसका लाभ मिलता है। हमारा उद्देश्य यही है राहुल, ये बच्चे शिक्षित होकर कॉम्पिटिशन को क्लियर करें और भविष्य में भारत की उन्नति के लिए, भारत के विकास के लिए काम करें। सर, मेरा नाम शाह आलम है। सर, ये प्रोग्राम जो है जीके कंपटीशन आप देख ही रहे हैं, पीछे लिखा है 2021। ये एक्चुअल में हमारे गांव के जो एजुकेटेड यूथ है उन्होंने सबने मिलके एक एनजीओ बनाया और उसका नाम रखा प्रयास एक पहल। प्रयास मतलब कुछ अच्छे के लिए, हर समय हमें कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। और ये सभी वो एक टीम है जो आपके सामने बैठी है, इसका कोई एक मुख्य चेहरा नहीं है, इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सब एक टीम है। ये एक प्रयास एक पहल की टीम इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। इसका मेन मोटिव ये है कि जो हमारी यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, इसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना, आने वाले समय के लिए ये यूथ कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे और क्या उसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न पे। एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे तो ये भी हैं कि अभी उनको आंसर की फील करना भी नहीं आता है। तो मेन हमारा जो इसका मोटिव है वो ये है कि यूथ को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें, इसका और इससे अलग कोई हमारा मोटिव नहीं है सर। बीसीएन न्यूज़ के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, दो घरों में चोरी को अंजाम, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। एक घर का ताला तोड़ने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के शंकरपुरी में दलित नेता बॉबी जाटव पुत्र रामबाबू के बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी जेवरात चोरी कर लिए गए। दूसरी तरफ फ्रेंड्स कॉलोनी में चोरों ने दो घरों में हाथ साफ कर लिया, जिसमें चोरों ने लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। वहीं एक घर का ताला तोड़ते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी मोनिका पिता को हार्ट अटैक आने से मायके चली गई। मकान बंद था। रात लगभग 3 बजे तीन बदमाशों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों का सामान चोरी कर ले गए। ताला तोड़ते सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 1000 रुपए कितने का जेवर था? करीब पूरे जेवर था। नहीं, क्या क्या ले गए? खाली कानों के ये पहने, बाकी सब चला है। नहीं, क्या क्या है? कुछ चूड़ी हार भी था, चैन है, कंगन अंगन सब था, जाले आले। आप कहाँ गई थी? अपनी मम्मी के घर गई थी। कौन कौन सी जगह? शंकरपुरी। क्या परेशानी हुई थी वहाँ? अटैक आ गया था तो इसके वहाँ गए थे। या बंद था मकान बिल्कुल? कोई इसमें था नहीं? नहीं, मकान बंद कर दिया। बॉबी जाटव, क्या घटना हुई है? कल शाम की टाइम मैं यहाँ से 11 बजे मैनपुरी चौराहे पर अपने सालू साहब के मकान पर गया हुआ था। तो यहाँ घर पे अब पता नहीं कितने लोग बाहर के ताले तोड़ के और ऊपर चले गए, तो उसमें अलमारी की चाबी अभी रखी हुई थी। सो अलमारी में 19,600 रुपये और बच्चे के खड़ुआ, सोने की हाई फाई, बहू की तोड़िया और वो कन्नौनी रखी हुई थी और एक मंगलसूत्र और अंगूठी रखी हुई थी दीवार में।
वो भी ले गया। आप किस चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी में हैं, क्या? मैं जिला पंचायत की तैयारी करने में लगा हुआ था वार्ड नंबर 28 से। आप किसी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, अभी तो वैसे यहाँ से अम्बेडकर जयंती निकाला करता हूँ मैं हर साल। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से नहीं निकाल पाई, और यहाँ से 2017 में मैं विधायकी का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग से मची अफरा तफरी, लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में रविवार को फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दमकल को अग्निकांड की सूचना दी गई। मौके पर कई गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। आग की घटना फिरोजाबाद के दक्षिण कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित ओजीवा फैक्ट्री में घटित हुई। बताया गया कि रविवार को दोपहर करीब 12:30 बजे आग की लपटें उठती देखी गई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से क्षेत्र में खलबली मच गई। आसपास के लोगों को मौके से हटाया गया। फैक्ट्री में लगी आग की सूचना फिरोजाबाद के शिकोहाबाद और टुंडला के फायर ब्रिगेड को दी गई। आसपास के अन्य जनपदों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुला लिया गया। अथक प्रयास के बाद भी दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने में सफल नहीं हो सके। सूचना पर सिटी सहित कई थानों का पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। आग पर काबू पाने के लिए नगर निगम द्वारा टैंकरों से सप्लाई भेजी गई। जी सर, ये सर फैक्ट्रियों में आग लगी है सर, कितनी फैक्ट्री सर हैं और किस प्रकार से, क्या समस्या है? ये आग लगने का प्रकरण थाना दक्षिण क्षेत्र फैक्ट्री एरिया फिरोजाबाद का है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस टीमें बहुत ही तत्परता से यहाँ पे पहुँची। फायर टेंडर की सभी गाड़ियाँ जिले की जितनी भी थी यहाँ पे लगा दी गई हैं। प्रशासन के लोग भी आ गए हैं, SDM सदर भी उपस्थित हैं, SP सिटी हमारे मुकेश मिश्र और COCT हरी मोहन, सभी लोग यहाँ पे नेतृत्व करते रहे लगातार। अभी आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन चूंकि गत्ते की फैक्ट्री का आग है और पैकिंग मटेरियल इसमें काफ़ी जला हुआ है, तो उसमें आग बुझने में समय लगेगा। मगर हमारी जो फायर टेंडर की गाड़ियां और फायर की टीम है, फायर एक्सटिंग्विशर टीम, वो पूरे मनोयोग से इस पर काम कर रही है। इसमें मुख्यतः एक सुगंध गुप्ता जी हैं उनका, और नीरज जैन, इन लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। अजीत गुप्ता जी हैं जिनका बिल्डिंग है, उनका भी नुकसान हुआ है। तो सारा असेसमेंट किया जा रहा है, पूरी टीमें अभी मौके पे हैं। आग बुझाने का काम निरंतर जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से आग पे काबू ना पाए। क्या कारण रहा सर आग लगने का? प्राइमाफेसाई शॉर्ट सर्किट से एक्सीडेंटल आग लगने की बात अभी सामने आ रही है। बाकी हमारी जब पूरी आग बुझ जाएगी तो फायर की टीमें इस पर, फायर और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट की जो टीम होगी वो देखेंगे कि किस प्रकार से आग लगी। कितने का नुकसान हुआ है? अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ होगा, उसका असेसमेंट बाद में किया जाए। हवा के साथ आग फैलती जा रही थी, जिसको लेकर अधिकारियों के भी हाथ पैर फूल गए। आग से लाखों रुपए का नुकसान होने का बताया जा रहा है। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। दबंगों द्वारा दो युवकों पर आत्मघाती हमला कर घायल कर फरार होने पर परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद घायलों को उपचार हेतु भेजा गया। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पीर बाबा दीन में रविवार को केशव पुत्र सतपाल अपनी घोड़ी को चारा दे रहा था, जिसके बाद शरीफ कुरैशी पुत्र जमील कुरैशी भी था। तभी अचानक चार लोग आनंद फानंद में आए, जिन्होंने चाकू और कांच की पेप्सी की बोतल से आत्मघाती हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया और फरार हो गए। घटना की सूचना थाना पुलिस को दी, जिसके बाद घायलों को उपचार हेतु CSHC हापुड़ भेजा गया। यहाँ पे गाड़ियों को निहार कर रहा था, और जब ही दो जुबेर मुनाफ और उसके दो चार भाई आए थे, और उसे यहाँ पे निहार करते हुए वो पकड़ा, अरे बोतल मारी इसके मुंह पे, और दूसरा सतपाल, और मैं उसको बचाने गए थे तो सतपाल के यहाँ पे बोतल मारी है, तो ये मैटर हुआ। घायल शरीफ की तहरीर पर जुबेर, मुनाफ, बिलाल और दनिश चार के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। डॉक्टर स्वयं प्रभा दुबे को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान का उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर डॉक्टर स्वयं प्रभा दुबे को सम्मानित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की युवा टीम की जिलाध्यक्ष मनीष गुबरेले के नेतृत्व में सुमित उदेनिया, पवन कुमार पटेल व महेंद्र सिंह सहित एक टीम ने डॉक्टर स्वयं प्रभा दुबे को उनके निवास पर सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय नारायण चंसोलिया, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर रविशंकर अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष जावेद खान सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। BCN न्यूज के लिए जनपद जालौन से आशुतोष उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में निर्माणधीन दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौके पर पुलिस टीम ने पहुंचकर तुरंत रेस्क्यू किया। दबे हुए लोगों को निकालकर बचाने के लिए तुरंत ही जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब मृतकों के परिजनों को जानकारी दी गई, तब मृतकों के परिजनों में खोराम मच गया। मामला जनपद महोबा के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर निर्माणधीन दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के कीरत सागर झलकारी बाई तिराहे के पास पुरातत्व विभाग की जमीन पर रात के अंधेरे में अवैध निर्माण किया जा रहा था। यह अवैध निर्माण कार्य रात में तेज गति से चल रहा था, तभी इसकज एक दीवार गिरने से मौके पर 3 मजदूर दब गए, जिससे 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। इसकी सूचना प्राप्त होते ही मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई और रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया। देखिए, झलकारी बाई तिराहे के पास में एक निर्माणाधीन मकान था, जैसा आप बता रहे हैं, और निर्माण के दौरान ही वहां जो काम कर रहे थे श्रमिक, वो दीवार गिरने के कारण दीवार के नीचे दब के उनकी मृत्यु हो गई है। जो आपने बताया है कि वहाँ पे उस जमीन को लेकर कुछ विवाद भी चल रहा था, शायद सिविल कोर्ट में भी कुछ केस उसका चल रहा था, तो इसीलिए शायद छुप छुपा के वो कंस्ट्रक्शन किए जाने की जो है कोशिश थी, इसीलिए इस तरह की घटना जो है हुई है। इसकी पूरी विस्तृत जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। BCN न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।